press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब तक नामों को अंतिम रूप देने के लिए कई दौरों की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन करीब 40 सीटें उलझ गई हैं। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अलग अलग रिपोर्ट मिली है। वहीं प्रदेश के बड़े नेताओं में भी उम्मीदवारों को लेकर टकराव है। ऐसे में तय किया गया है कि इन सीटों पर पुनः दावेदारों की जाँच कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारियों की मिली रिपोर्ट पर कई दिनों से मंथन कर रही हैं। प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं, लेकिन हफ्ते भर से प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ मैराथन बैठकें चल रही हैं। पहली बैठक ही करीब 9 घंटे चली। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश सह प्रभारी विवेक बंसल देवेंद्र यादव तरुण कुमार काजी निजामुद्दीन आदि इनकी टीमें लगातार मंथन कर रही हैं। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन कर सभी 200 सीटों पर एक नाम का पैनल तैयार कर राहुल गांधी की अध्यक्षता में बनी केंद्रीय चुनाव समिति CEC में रखेगी। वहां राहुल गांधी की स्वीकृति के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकबगंज रोड पर कांग्रेस के वार रूम में और अन्य जगहों पर चल रही बैठकों में सभी 200 सीटों के मंथन में अब तक 75 से 80 सीटों के नामों का पैनल तैयार किया जा चुका है और इतनी ही सीटों पर टिकट को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह भी बात सामने आई है कि प्रदेश के सभी 200 सीटों को लेकर मोटे तौर पर मंथन हो चुका है। सीट और जिले के भौगोलिक स्थिति, जातिगत समीकरण और पिछले कुछ चुनावों में पड़े वोट और पार्टी को मिले मतों को लेकर चर्चा की जा चुकी है। इस चर्चा में करीब 40 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं कि जहां उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफी विवाद है। AICC की रिपोर्ट और प्रदेश के बड़े नेताओं की ओर से दिए गए नामों में मेल नहीं हो पा रहा। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस नेताओं को कहा गया है कि इन सीटों पर कांग्रेस चेकिंग कर मजबूत दावेदारों के नाम तय करे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।